वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं नितिन और टेक्निकल नितिन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विंडोज़ में ये यूज़र प्रोफाइल सर्विस का जो मैसेज आ जाता है, एक्चुअली वो रजिस्ट्री का प्रॉब्लम होता है। तो उस सर्विस को आप मॉडिफाई करेंगे तो आपका ये एरर ये चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र प्रोफाइल सर्विस का रजिस्ट्री कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी को या फिर लैपटॉप को रिस्टार्ट करना होगा। और F8 की प्रेस करना होगा। ओके, उसके बाद आपको इस एरो के बटन के मदद से सेफ मोड में जाना है। उसके बाद एंटर करना है। तो ये सेफ मोड में आपकी विंडोज ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट में रन टाइप करना है, RUN, उसके बाद एंटर दबाना है। उसके बाद यहाँ पे RUGEDIT, उसके बाद अभी आपको यहाँ पे ओके करना है। फिर यहाँ पे आपको जो उसके बाद आपको यहाँ पे H की लोकल यूजर है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे जाना है आपको, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा एक फोल्डर देखना है, स्क्रॉल करना है नीचे। उसके बाद आपको यहाँ पे विंडोज एंट्री फोल्डर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद करंट वर्जन, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है प्रोफाइल लिस्ट में, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपका दो फाइल दिख रही है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है, उसको रिनेम करना है। राइट क्लिक करके उसको रिनेम करना है। यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है उसको हटाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट पे जाना है, मॉडिफाई करना है इसको। इसको करना है 0। फिर ओके दबाना है। फिर रेफ काउंट में क्लिक करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको 0 करना है और फिर ओके करना है। उसके बाद ऊपर के फोल्डर में उसको भी वैसे ही सेम करना है, मॉडिफाई 0, रेप काउंट मॉडिफाई 0 करना है। ठीक है, तो आपका ये रजिस्ट्री मॉडिफाई हो गया। ठीक है, अब इसको क्लोज करना है।
और यहाँ पे आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। देखते हैं रिस्टार्ट करके। ठीक है, तो इस तरह आपकी वेलकम विंडो आ जाएगी। तो इस तरह आपका डेस्कटॉप भी आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए और हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।